हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ शेजवान एग चीज़ सैंडविच। ये बड़ों को तो अच्छा लगेगा ही, साथ साथ ये बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया पत्ता बारीकी से कटे हुए, टमाटर, कैप्सिकम, कैरेट, अनियंस, ये सब हमें बारीकी से काट लेना है, दो अंडे, दो स्लाइस ब्रेड, सॉल्ट और हमें चाहिए शेजवान चटनी। पहले हम अंडों को अच्छी तरह बीट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग बीटर। फिर उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड अनियंस, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड टोमेटो, हमने टमाटो की सीड्स निकाल लिए हैं, फिर 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कैरेट, 1/4 टेबलस्पून नमक, या नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। ये हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मिल्क। इस डाल के हम अच्छी तरह बीट कर लेंगे अंडे को। फिर हम एक पैन या तवा गर्म करेंगे, उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। आप चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। घी को हमें अच्छी तरह पैन में स्प्रेड कर लेना है। हमें ब्रेड को पैन के ऊपर अच्छी तरह टोस्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ वाइट ब्रेड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं था। जब आप इसे बनाएंगे तो आप ब्राउन ब्रेड या फिर होल व्हीट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें ब्रेड को तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छी तरह ब्राउन ना हो जाए। जब ये दोनों तरह अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, इसका मतलब ये अच्छी तरह टोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट पे अलग से निकाल लेंगे। ब्रेड ठंडा हो जाने के बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे शेजवान चटनी। एक बटर नाइफ की हेल्प से हम चटनी को अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। हमें ब्रेड के एक ही साइड में चटनी को स्प्रेड करना है, दूसरा साइड हम खाली छोड़ देंगे। इसी तरह हमें दूसरे ब्रेड पर भी चटनी को स्प्रेड कर लेना है अच्छी तरह। अगर आपको शेजवान चटनी बनाने का वीडियो देखना है तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब बनाएंगे हम ऑमलेट। इसके लिए हमें एक पैन में फिर से 1 टीस्पून घी को हम अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। अब हमें इस एग के मिक्सचर को ऑमलेट की तरह पकाना है। तो पहले हम सिर्फ आधा ही मिक्सर यूज़ करेंगे, आधा मिक्सचर हम बाद में यूज़ करेंगे। ये सैंडविच का बेस तैयार करने के लिए हम बना रहे हैं। जब ऑमलेट आधा पक जाए तो उसके ऊपर हम रखेंगे 2 चीज़ स्लाइसेस। मैं यहाँ अमूल चीज़ स्लाइस यूज़ कर रहा हूँ। चीज़ के ऊपर हम रखेंगे टोस्ट किया हुआ ब्रेड। फिर मैं धीरे धीरे ऑमलेट के एजेस को एक स्पैटुला के मदद से मैं इसे फोल्ड कर लूँगा। हमसे बीच बीच में खिलाते रहेंगे हल्के हाथों से ताकि ये पैन में नीचे चिपक ना जाए। इसे हिलाते वक्त आप ध्यान रखिएगा कि कहीं ये गलती से टूट ना जाए, इसलिए हमें बहुत ही सावधानी से हमें इसे हिलाना पड़ेगा। हमें इसे तब तक कुक करना है जब तक चीज़ मेल्ट होना शुरू ना हो जाए। जब ये चीज़ अच्छी तरह मेल्ट होना शुरू कर दे तब हम इसे एक बड़े से स्पैटुला की मदद से इसे हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर हमें इसकी ऊपर की लेयर तैयार करनी है। तो हम फिर से पैन गरम करके उसमें हम डालेंगे जो रिमेनिंग हमारा अंडा का मिक्सचर था, हम वो डाल के इसे फिर से ऑमलेट की तरह कुक करेंगे। जब ये आधा कुक हो जाए तब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने एक चीज़ ब्रेड बनाया था पहले, हम उसको इसके ऊपर डाल देंगे। और फिर से एक बार हम साइड्स को धीरे धीरे फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज या पेपर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये अपनी बेटी के लिए बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने
आपने किसी स्पाइस का यूज़ नहीं किया है। फिर हम इसे पलट के दूसरी तरफ भी अच्छी तरह पका लेंगे। तो दोस्तों हमारा सैंडविच लगभग बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम इसके ऊपर एक टेबलस्पून टमाटो सॉस हम स्प्रेड करेंगे। एक स्पून की मदद से इसे हम अच्छी तरह स्प्रेड कर लेंगे। हमें इसे चारों तरफ अच्छी तरह स्प्रेड कर लेना है। फिर हम इसके ऊपर हमारा जितना भी वेजिटेबल्स बाकी रह गया था हम उसे टॉपिंग की तरह के ऊपर हम डाल देंगे। अनियंस, कैरेट, फिर टोमेटोस, कैप्सिकम, और फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे बारीकी से कटे हुए धनिया पत्ता। ये सब ऐड करने के बाद हम इसे फिर एक नाइफ की मदद से इसे हम 6 पीसेस में स्लाइस कर लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये सैंडविच देखने में कितना ही कलरफुल है। इसे देखते ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाएगा। आप चाहे तो मॉर्निंग में या इवनिंग स्नैक्स में आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लेयर फॉर्मेशन हो गया इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।